हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। वो चीज़ थी हमारी पूरी, टिपिकली हमने सोइंग के बारे में पढ़ा था और सोइंग के अंदर हमने HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में पढ़ा था कि वो वाले जो सीड्स होते हैं आपके फ्लोटिंग वाले, वो ऊपर रह जाते हैं तो आप लोग निकाल देते हो और अच्छे सीड्स को क्रॉप के अंदर ग्रो करते हो। फिर हम लोग ने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी सोइंग के अंदर, वो थे हमारे इम्प्लीमेंट्स जो हम लोग सो के लिए यूज़ करते हैं। वन इज़ प्लाउ, जो कि आपको पता है प्लो, ठीक है। और फिर हमने वो सीड ड्रिल कल्टीवेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हम लोग ने देखा था आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होता है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स, या फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। और फिर इनके बीच में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंसेस, कि ये ज़्यादा महंगा होता है, सस्ता होता है। और उसके बाद हमने देखा था इनके पास ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिच है, मास्टर ऑफ ऑल, ये जैकॉल ऑफ ऑल ट्रेड्स है, ये वाला मैन्योर आपका, और ये मास्टर ऑफ वन है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी और हमने फिर ख़त्म किया था मैन्योर के प्रॉपर्टीज से, कि मैन्योर क्यों बेनिफिशियल है फर्टिलाइजर से। हमने यहाँ पर उसको ख़त्म किया था, वो सॉइल टेक्सचर के बारे में, रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। तो वो है आपका इरिगेशन वाला पार्ट, हमने यहाँ पर छोड़ा था लास्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। तो इरिगेशन समझते, आपको पता है इरिगेशन क्या है? पानी देना, ठीक है। तो अब समझते हैं, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। तो 90% हमारे में अगर 75% है, 75 to 80%, 70 to 80% बोले, तो प्लांट के अंदर 90% ऑफ वाटर है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। आपको पता है कि कहीं ना कहीं प्लांट्स को पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था जाइलम के बारे में, ठीक है। तो जाइलम प्लांट टिश्यूज को क्या करती है? पानी देती है थ्रू रूट्स, और ये पानी ग्रोथ के लिए काम आता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स तो तभी होगा ना जब पानी मिलेगा, ड्राई कंडीशन में तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड एयर करेंट्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि ये पानी जो आपका होता है, आपको भी पता है पानी पीने से कैसे आपका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करके आते हो और एकदम से पानी पीते हो, आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और जब गर्म पानी पीते हो ठंड के सीजन में, तो वो टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। तो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट। तो ठंड से भी बचाता है और गर्मी से भी बचाता है आपका पानी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। तो अगर आपको मॉइस्चर चाहिए सॉइल के अंदर, मॉइस्चर का मतलब कि हल्का बहुत पानी कंटेंट चाहिए कि प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो, तो आपको कहीं ना कहीं उनको रेगुलरली पानी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। तो यहाँ इरीगेशन की आपकी आगे डेफिनेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से वो पिचकारी से पानी देते जा रहे हो एट डिफरेंट इंटरवल्स, कभी दोपहर देते हो, कभी शाम देते हो, ऐसा। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वैरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ऑब्वियसली बात है, हर क्रॉप को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा, और क्रॉप टू क्रॉप पर डिपेंड करता है। फिर सॉइल टू सॉइल, ऑब्वियसली आपको पता है क्लेई सॉइल, हमने पढ़ा था लोमी सॉइल हैज़ गुड कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, लेकिन क्लेई सॉइल को वहीं पर आपको ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए था, तो आप ज़्यादा पानी देते हो, ठीक है, क्योंकि वो सोख कर लेती है बहुत जल्दी पानी। और वही अगर सैंड की बात करें, तो उन्हें उन्हें तो और भी ज़्यादा चाहिए प्लांट के ग्रोथ के लिए, लेकिन क्लेई सॉइल को इसलिए पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि पैडी जैसे क्रॉप वहाँ पर ग्रो होते हैं। वैसे नहीं तो वो लोग रिटेन कर लेते हैं आपके पानी को, लेकिन फिर भी इनको पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इन पर ग्रो कौन से क्रॉप होते हैं? पैडी जैसे क्रॉप, जिनको वाटर कंटेंट ज़्यादा चाहिए। एंड सीज़न टू सीज़न भी डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ठंड में थोड़ा कम पानी चलता है, रेनी सीजन में तो आपको पता है पानी वैसे ही मिल रहा है, लेकिन समर में आपको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है क्योंकि ड्राई अप जल्दी हो जाता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। वाई इज इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन? बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपीरेशन होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, ये सारी चीज़ें। आई एम वेरी केयरफुल
दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड ड्राइड. ये बूझो तो ऐसे ही है, इसको काम करना आता ही नहीं है कुछ. ठीक है. सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड एक्सेट्रा. तो यहाँ पर आपके आ गए सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, कि आप कैसे पानी दे सकते हो. तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर. द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड बाई डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग टू द फील्ड्स. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स. सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशियंट. तो ये क्या होता है, अगर आप कैटल और ह्यूमन लेबर यूज कर रहे हो तो वो क्या है, एफिशियंट कम है लेकिन चीप है, क्योंकि आप खुद से ही काम कर रहे हो सारा का सारा. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड रात, दैट इज लेबर सिस्टम. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ बाद में. अभी से आप इनके नाम याद रखिए, मोट, ठीक है, चेन पंप, ढेकली एंड रात. पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स. तो जैसे लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलता है और जनरेटर डीजल पर चलता है, वैसे ही सेम काम आपका ये पंप्स भी करते हैं. ठीक है. तो ये आपका इस स्लाइड पर है कि कैसे ये पानी आपको मिलता है, इरिगेशन का सोर्स कैसे बनता है. अब हम लोग आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. और मॉडर्न मेथड्स में आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, जितने भी यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो लोग मैचेस देखते हैं, क्रिकेट तो नहीं बोलूँगा लेकिन हॉकी मैचेस होंगे या फुटबॉल मैचेस हो गए, तो वहाँ पर उनके फील्ड पर लगे हुए होते हैं फुहारे, ठीक है, फाउंटेन लगे हुए होते हैं. और ये टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम. तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम फील्ड तक में यूज़ होता है. तो ये तो आपके इरीगेशन स्पॉट है, यहाँ पर भी यूज़ होता है. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन हेल्प अस टू सी वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज. पहला मेथड है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. क्योंकि पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता आपको, तो पूरी जगह पानी फैलाना होता है, ठीक है. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. तो यहाँ पर क्योंकि पानी की कटौती है एक तरीके से, तो वो क्या करता है, और फील्ड में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको हर जगह पानी चाहिए, पूरे फील्ड के अंदर पानी चाहिए. तो अगर आप ये फाउंटेन लगा दोगे तो ये पूरे फील्ड को पानी दे देता है. लेकिन ये क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स पर होता है, क्योंकि आपके पास पानी कम है, तो इसलिए आपको पानी सही से सिस्टमैटिक वे में प्लान करना पड़ता है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि पानी वेस्ट हो सकता है, ये पानी वेस्ट नहीं हो रहा. आप देखिए, आप पूरे फील्ड को एट अ टाइम इरीगेट कर पा रहे हैं, तो ये पानी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रहा है. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. तो जब बहुत ही तेजी प्रेशर से जब आपका पंप आप ऑन करते हो, अगर आपके पास यहाँ पर स्विच है, आपने पंप ऑन कर दिया और ये जो पाइप है वो अंडरग्राउंड कनेक्टेड है, तो इसके पास जो नोजल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, वहाँ से पानी बहुत तेजी से निकलने लगता है. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. तो वो ज़्यादा इरीगेट करता है सैंडी सॉइल के लिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है. ड्रिप इरीगेशन, ये आप लास्ट टाइम में पढ़ा था वो वाटर चैप्टर में, कि कैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग देखते हैं, और अब इसमें आप पढ़ोगे बिल्कुल उसके सिस्टमैटिक डेफिनेशन के साथ. ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट. सी द पोजिशन ऑफ द रूट्स पर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है. So it is called drip irrigation system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. The system provides water to plants drop by drop. Water is not wasted at all. It is boon in regions where availability of water is poor. तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, स्प्रिंकलर में भी कम तो होता ही है पानी, लेकिन इतना कम नहीं होता. लेकिन अगर आप देखें तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पर पानी बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर है, वहाँ पर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही इरीगेट करना पड़ता है. तो ये हो गया आपका ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि क्या है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन. आई बात समझ में. तो मॉडर्न मेथड्स में यूजफुलनेस क्या हो जाती है, कि ह्यूमन लेबर कम लगता है. आई नो सेटअप चार्जेस आपके ऑब्वियसली ज़्यादा है, मॉडर्न मेथड कुछ भी हो, लेकिन ह्यूमन लेबर जब कम हो जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है. और अगर आपका काम आसान हो गया, आप दूसरे जगह भी काम कर सकते हो उसी गिवन टाइम के अंदर. तो इसलिए मॉडर्न मेथड्स आर मोर इकोनॉमिकल, ठीक है, इसलिए वो इकोनॉमिकल होते हैं. एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद लाइफ टाइम चलेगा. अब रोज थोड़ी ना 20 किलोमीटर
पैदल पहले पानी को भरने जाओगे और फिर वो पानी खींचोगे और फिर वो पानी लेके आओगे, ना ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये मॉडर्न मेथड्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर हमने किया इरिगेशन खत्म, और अब हम करेंगे आज का लास्ट टॉपिक जो है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स, और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग है, जो स्टोरेज है वो हम लोग अगले उस पर करेंगे स्लाइड के अंदर, मतलब अगले लेक्चर के अंदर आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स डिस्कस। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स में क्या है, बूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। हैव दीज अदर प्लांट्स बी प्लांटेड पर्पसली? ये बूजो का बहुत ही करेक्ट सवाल है, चलो पहली बार को ढंग का, ठीक है। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कुछ और प्लांट्स भी ग्रो हो रहे थे, इसका मतलब ये अगर आपके इस टाइप के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो बीच में कुछ ऐसे प्लांट्स भी ग्रो हो रहे थे। तो अब वो ये पूछ रहा था क्या ये पर्पस की प्लांट किया गया। अब इसका आंसर देखते हैं, इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। तो ये प्रोसेस का नाम क्या होता है, जब आप रिमूव कर देते हो वीड्स को तो उसे हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस। है वापस वो सीड डिस्पोजल वाली चीज आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, इतने से सॉइल पर अगर दो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये एक दूसरे के बीच में क्या करेंगे, डिशुम डिशुम करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो ये चीज क्या होगा, आपका जब झगड़ा होगा तो आपके मेन क्रॉप जो आपका मेजरली ग्रो हो रहा है, सपोज राइस के साथ कोई वीट ग्रो हो गया तो राइस के साथ मेन प्रॉब्लम ये होगी कि राइस को ही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर उसको नहीं मिला तो आपका जो मेन क्रॉप है जिससे आपको पैसे मिलने वाले वही आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। तो कभी कभी तो ये भी चीज़ होती है कि जब आप हार्वेस्ट करते हो इनसे या निकाल रहे हो इनका प्रोडक्ट, तो पता चले ये इतने पॉइजनस है कि अगर आपको ये चुभ गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें भी वीड्स होते हैं, ऐसे भी होते हैं वीड्स। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, ठीक है। तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। तो कभी कभी वीड्स ऐसी बैरन लैंड पर भी कभी कभी क्या वीड्स क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो आपको पता है प्लोइंग और टिलिंग हम लोग करते हैं, तो प्लोइंग और टिलिंग जब हम लोग करते हैं तो वो मेथड से भी क्या हो जाते हैं, वीड्स क्या हो जाते हैं, अंदर ही अंदर किल होकर के निकल जाते हैं। तो कभी कभी ये क्या होता है जब अंदर ही अंदर किल होकर के खत्म हो जाते हैं तो ये आपका एक छोटा पार्ट मैन्यूर में भी काम आता है। तो वीड्स को हटाना इन द प्रोसेस ऑफ टिलिंग एंड प्लोइंग आपका थोड़ा बहुत मैन्योर जनरेशन भी करता है, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, ठीक है। तो वीड्स जब तक फ्लावर एंड सीड्स ना बनाए उससे पहले अगर वो रिमूव हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर वहां पर उनकी ग्रोथ शुरू हो गई तो वो दूसरों की ग्रोथ क्या करेंगे, रोक देंगे। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये वीड है तो इसको क्लोज टू द ग्राउंड से ही काट देते हैं, क्योंकि ऊपर से काटेंगे तो ग्रोथ तो वापस होती रहेगी, लेकिन क्लोज टू द ग्राउंड अगर काट दिए गए तो इनकी ग्रोथ को टाइम लगेगा। तो पहला मेथड है आपका मैनुअल मेथड, और मैनुअल मेथड एक ऑब्जेक्ट से होता है जो कि आपको इधर लिखा हुआ होगा खुरपी। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, ठीक है। तो ये खुरपी से ऐसे काटा जाता है, खुरपी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसी जैसे सिकल है ना वैसे ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा खुरपी होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे नाइफ के शेप पे होता है, ठीक है, मतलब जिससे गला भी कट सकता है ऐसा टाइप थोड़ा सा, ठीक है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स। सीड ड्रिल भी यूज होती है अप्रूटिंग के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। तो जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो तो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए काम आते हैं, यहाँ पर हम लोग वीडिसाइड्स डालते हैं। तो वीडिसाइड से क्या होता है, वीड सीधा का सीधा मर ही जाता है। तो वीडिसाइड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है, 2,4-D। जब आप 12th में साइंस लोगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इतने सारे बेंजीन रिंग होते हैं, सॉरी नहीं बता रहा, ये आप
फर्स्ट हाफ में 2,4-D इज लाइक बहुत एक अच्छा केमिकल है, एक अच्छा वीडिसाइड है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर आप केमिकल स्प्रे कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो डैमेज कर सकते हैं क्रॉप को, लेकिन ये कंपेरेटिवली नहीं करते डैमेज। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। तो आपको ये स्प्रेयर दिख रहा है, आजकल जो सैनिटाइजर वाले लोग दिख रहे होंगे आपको न्यूज़ में, आप देखते होंगे कि कैसे लोग सैनिटाइज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक स्प्रेयर होता है और उससे फैलाया जाता है ये वीडिसाइड को। तो जब ये चीज़ फैलाई जाती है तो ये डैमेज नहीं करती क्रॉप को, और इसको हमेशा पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाता है कि डाइल्यूटेड फॉर्म में स्प्रे किया जा सके इसको, ठीक है? जैसे आयरन वाला स्प्रे करते हैं कपड़ों को, बिल्कुल वैसे ही ये स्प्रे किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ से अगर वो स्प्रे करेंगे तो आपके वीड्स या मर जाएंगे। डू वीडिसाइड्स हैव इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रे? एज ऑलरेडी मेंशन, द वीडिसाइड इज स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो जब भी आपके वीड्स को मारना होता है तो वीडिसाइड तब यूज होता है जब आपको क्या करना है, पहले उसके वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले, इसका मतलब ये है कि उसके जब फ्लावर्स ना आ जाए उससे पहले आपको उनको मारना होता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। तो बूजो का क्वेश्चन बहुत ही वैलिड था आज, तो मतलब मैं इंप्रेस हो चुका हूँ बूजो से, मतलब क्या पूछ रहे हैं, सब कुछ इतना एक्यूरेट और इतना अच्छा पूछ रहे हैं। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल। सिंपल सी समझ लो, जितना ये जो कोरोना वायरस स्प्रे जैसे लोग करते हैं ना, बिल्कुल सेम चीज़ लोग करते हैं फार्मर्स भी। स्प्रे को जब करना है तो मुंह ढकेंगे, आपके हाथ पैर ढकेंगे, एंड फिर ये लोग स्प्रे करते हैं। अब ये मत सोचना कि इनके पास इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट नहीं, इतने अच्छे कपड़े, ऐसा नहीं है कि भाई जो कपड़े हैं, बस ये लोग कुछ ना कुछ करके कवर रखते हैं अपने आप को, ठीक है? तो यहाँ पर आपका लेक्चर हुआ ख़त्म। वीड्स और इरिगेशन के बारे में मैंने सिर्फ इस लेक्चर में पढ़ाया। आई नो ये छोटा है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहता था हार्वेस्टिंग वगैरह, बट मैंने कहा नहीं, आराम आराम से चलते हैं। आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते जाइए, आप साइड बाय साइड क्वेश्चन आंसर्स करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी वर्कशीट आ गई है वो करते जाइए, जो भी डाउट्स है पूछते जाइए। और जिन्होंने अभी तक मुझसे पूछे हैं, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आपको डाउट्स आ रहे हैं और आप पूछते जा रहे हो, जिनको और भी आ रहे हैं प्लीज़ पूछते जाइए, ठीक है? तो यहाँ पर चलते हैं हमारी ब्लैंक स्लाइड की तरफ, और आज मेरे पास है, हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड हमने पढ़े थे उनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है? वेरियस मेथड्स आर, पहला है मोट। तो मोट क्या होता है? वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द वेल एंड डायरेक्टली सप्लाइड टू प्लांट। अब ये वाटर पुल्ड आउट कैसे, जो आपकी मेजर डी आप पुली देखी है ना, तो ऐसे एक पुली लगी हुई होती है, ये आपका वेल होता है, यहाँ से पानी आया एक बकेट के अंदर और ये सीधा पानी डाल दिया फील्ड के अंदर। तो वेल से सीधा उठा करके आपका पानी कहाँ डाला जाता है, फील्ड के अंदर डाला जाता है। अब पढ़ते ढेकली के बारे में। ढेकली में क्या होता है, इन ढेकली बकेट्स आर यूज एंड देन विद द हेल्प ऑफ रोप वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द वेल, ठीक है? अब यहाँ से तो पानी क्या हुआ, पुली से हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ, रोप यूज हुआ। मोट ढेकली इज ऑलमोस्ट लाइक अ सेम प्रोसीजर, ठीक है? बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये लोग प्रोसीजर में, ठीक है? अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी पुली लगी हुई होती है, ठीक है? मोट के अंदर ढेकली में आपका क्या होता है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, आपके ढेकली में अच्छे से पुली लगी हुई होती है सो दैट आपका पानी बहुत आराम से ऊपर आ जाए, जबकि आपका मोट में क्या होता है, पानी निकालना पड़ता है, पानी ऊपर तक होता है लेवल्स पे और फिर आप निकालते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज रात। रात पे क्या होता है, इन दिस मेथड बकेट्स आर नॉटेड विद रोप ऑन व्हील एंड देन बुल्स रोटेट द हैंडल ड्यू टू विच व्हील टर्न्ड अप एंड देन वाटर गेट्स फिल्ड इनटू द बकेट एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो अब ये क्या होता है, आपका यहाँ पर आपकी होगी एक, सॉरी ये आपकी भैंस होगी या कुछ भी होगा, वो यहाँ पर आपका एक हैंडपम्प जैसी चीज़ होगी जिसको ये लोग घुमाएंगे। जैसे ये लोग घुमाएंगे, ये कनेक्टेड होता है रोप से और रोप कनेक्टेड होती है आपकी बकेट से, तो बकेट में आ जाता है पानी और जैसे ही बकेट में आएगा आपका पानी वो फिर इरिगेट कर देगा फील्ड को, ठीक है? बिल्कुल वैसे। अब लास्ट है आपका चेन पंप मेथड। तो चेन पंप में क्या है, इन दिस मेथड टू व्हील्स आर यूज्ड, द वन व्हील इज इजीली अवेलेबल
एंड अनदर व्हील एट द बॉटम इज स्लाइटली डिप्ड इन टू द सॉइल. दीज टू व्हील्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू चेन्स एंड बकेट आर जॉइंट विद द व्हील. व्हेन व्हील्स रोटेट बकेट्स गेट फिल्ड एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज. ठीक है, तो एक आपका ऊपर होता है व्हील, एक आपका नीचे होता है व्हील. व्हील एट द बॉटम इज, और ये आपका कहाँ होता है, सॉइल के अंदर होता है. ये व्हील्स दोनों कनेक्टेड होते हैं चेन और बकेट से. ठीक है, ये व्हील्स यहाँ पर कनेक्टेड है चेन और बकेट से. तो एक तरीके से ऊपर से पानी नीचे आ रहा है. आपने देखा होगा कुछ घर वाले लोग ऊपर से नीचे डालते हैं, कुछ सामान देना होता है तो एक रोप को टाई कर देते हैं. बिल्कुल वैसे ऊपर से नीचे व्हील कनेक्टेड है. आपके ऊपर एक आदमी है, नीचे एक आदमी, बीच में बकेट ट्रैवल हो रहा है और बकेट थोड़ा सा टर्न होगा तो वो फील्ड को इरिगेट कर देगा. तो ये आपके जो चार ट्रेडिशनल मेथड है जो लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है. वीड्स आपको पता लग गया, इरिगेशन आपको पता लग गया, इरिगेशन की प्रॉपर्टीज आपको पता लग गया, हम क्यों करते हैं, पानी क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके रेगुलर काम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपके उसके बाद फिर उसके बाद आपके किसके लिए, आपके फ्रॉस्ट करंट उससे इम्पोर्टेंट है, हॉट करंट से, ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली. और वीड्स को जब वीडिसाइड्स डालते हैं, 2,4-D जो आपका एग्जाम्पल था, जब वो डालते तो हम लोग फार्मर्स को काफ़ी टेक केयर करना पड़ता है. तो आज का लेक्चर यहाँ करते हैं हम ख़त्म. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ पूछना, क्वेश्चन आंसर्स करते जाइए, वर्कशीट करते जाइए. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद करेंगे हम लोग बाय बाय इस चैप्टर को. ठीक है, थैंक यू गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.